खेती को लाभ का धंधा बना रहे सिंचाई के साधन हर खेत तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के चंबल अंचल के ग्वालियर जिले में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए लाभप्रद साबित हो रही है। ग्वालियर जिले के किसानों ने अपनी खेती की सिंचाई के लिए पाइपलाइन धान की फसल की सिंचाई की, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। जिन खेतों में केवल बारिश के दिनों में ही सिंचाई हो पाती थी, आज वहां पाइपलाइन बिछाकर सिंचाई की जा रही है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से फसलों का भी बंपर उत्पादन हो रहा है, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक जिले के 52 किसानों ने पाइपलाइन के लिए आवेदन किया, जिसके लिए सरकार ने करीब 8 लाख रुपए का अनुदान दिया है। किसानों को इस योजना पर करीब 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है। सस्ती दरों पर अनुदान मिलने से किसान काफी खुश हैं और वे इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। हमने ये किसान योजना जो पाइपलाइन की चली है, इसमें हमने अनुदान में तकरीबन 4 सेट लिए हैं, जिसमें हमें काफी फायदा हुआ है। एक सेट पे 15,000 रुपए की वो हमें बचत हुई है। जो हमारे जो बोर जो है नीची जगह थे और जमीन हमारी थोड़ी ऊपर को है, इससे हमने पूरी जमीन में पानी जो है इसे सिंचाई की है। इस टाइम हमारी अच्छी धान खड़ी है। हमने ये पाइपलाइन करवाई है, करीब 1500 फुट करीब पाइपलाइन है। इसका बहुत लाभ हुआ है हमारे को। बहुत ऊंचाई पे पानी नहीं मिल पाता था हमारे को, वहाँ हमने ये पाइपलाइन के द्वारा पानी लगाया है। पहले हम तिली वगैरह या उर्द वगैरह करते थे, वो फसलें होती थी हमारी, बहुत कमजोर फसल बचती थी। अब हमने धान की, उसमें बहुत बढ़िया धान है, देखो अच्छी धान खड़ी हुई है। बहुत ही इसका लाभ हुआ है हमारे को। इस योजना के अंतर्गत मुझे जो लाभ हुआ है, काफी लाभ हुआ है। पहले मेरी फसलें जो मक्का वगैरह या जो अच्छी फसलें जिसको अपन कहा जाता है, उनके द्वारा हम वही फसल करते थे, जबकि वो भी हमारी खराब हो जाती थी। लेकिन जब से हमने ये पाइपलाइन करवाई है, हमें काफी लाभ हुआ है।